पीसीसी चीफ डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री को वॉइस टेस्ट देने की मांग की, तो उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा जी ने ये कहा है कि वॉइस टेस्ट क्यों नहीं देते। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो एसओजी में आपने एफआईआर दर्ज कराई उसको एफआर देने की इतनी जल्दी आपको जरूरत क्या थी? और जहाँ तक वॉइस टेस्ट करने का है, मान लो गजेंद्र सिंह जी में देर लग रही है तो आपके दो मेंबर हैं जिनका भी फोन टेपिंग उसमें है, मोहनलाल शर्मा का भी उसी में है, विश्वेंद्र सिंह जी का भी उसी में है, तो पहले आप उनका वॉइस टेस्ट करके जो कुछ मुकदमा है उसको आगे बढ़ाओ ना। दूसरों के बारे में कह करके बच नहीं सकते हो। आपने जो फोन टेपिंग की है वो कानून की अवहेलना की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के उपरांत कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का वक्तव्य सामने आया और उस वक्तव्य के अंदर उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह जी अपने आप को बचाव करने के लिए एफआईआर दर्ज कराइए। सदन के अंदर माना है कि हाँ हमने फोन टेपिंग की है, और जब फोन टेपिंग करने की बात उन्होंने स्वीकार की है तो इसका मतलब यह है कि फोन टेपिंग के अंदर उन लोगों के नाम जिन्होंने आपने बताए वही शामिल नहीं है। अनैतिक तरीके से माननीय विधायक, माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के फोन टेपिंग करने का काम भी आपने